हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम एसईओ की ब्रीफ हिस्ट्री और एसईओ समिट जो कि पाकिस्तान में मुनक्द किया जा रहा है, इसके रिलेटेड जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक आप भी देखिएगा। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली में एसईओ है क्या। एसईओ की बात करें तो एसईओ का फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, और एसईओ जो है एक पोलिटिकल इकोनॉमिक इंटरनेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है। एससीओ को चाइना और रशिया ने 2001 में स्टेब्लिश किया था। एससीओ से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन था शंघाई फाइव, जिसमें पांच कंट्री उसके मेंबर थे, जिसमें चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान शामिल थे। शंघाई फाइव को 1996 में स्टेब्लिश किया गया था। फिर उसके बाद 2001 में एससीओ को स्टेब्लिश किया गया। जून 2001 में जो है जो लीडर थे उज़्बेकिस्तान के, ये जो है ना शंघाई में इनकी मुलाकात हुई, इनकी जो है ना वो कॉन्फ्रेंस हुई। तो इन्होंने कहा कि अब हम न्यू एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करेंगे, न्यू ऑर्गेनाइजेशन एक लॉन्च करेंगे जिसमें डीपर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन होगा। जून 2017 में जो है इसमें जो है ना 8 मेंबर कंट्रीज बन गए, और इसके साथ साथ जून 2017 में पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने जो है वो एससीओ को ज्वाइन किया था। इससे पहले इसमें ये मेंबर कंट्री नहीं थे। इसके साथ साथ ईरान ने जो है वो जुलाई 2023 में 9th मेंबर बना है एससीओ का, और बेलारूस जो है वो जुलाई 2024 में 10वां मेंबर बना है एससीओ का। करंटली एससीओ के जो है वो 10 मेंबर स्टेट्स हैं। इसके साथ साथ इसके सेवरल कंट्रीज जो है वो एंगेज हैं एज ऑब्जर्वर एंड डायलॉग पार्टनर, जिसमें मंगोलिया भी शामिल है। एससीओ की बात करें तो ये इसके 10 मेंबर स्टेट्स हैं, जिसमें चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस शामिल हैं। बेलारूस जो है इसका लेटेस्ट मेंबर है, जो कि 2024 में बना है। करंट अगर हम बात करें सेक्रेटरी जनरल की, तो सेक्रेटरी जनरल जो एससीओ के करंट हैं इनका नाम जेंग मिंग है, और ये जनवरी 2022 में 3 साल के लिए एससीओ के सेक्रेटरी जनरल बने हैं, और इसके साथ साथ ये चाइना से ताल्लुक रखते हैं। और करंट जो समिट हो रहा है एससीओ का, वो उसकी जो उसको जो प्रेसाइड ओवर कर रहा है, उसकी जो सदारत कर रहे हैं वो कर रहे हैं पीएम शहबाज शरीफ, जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। और इसके साथ साथ एक्सटर्नल मिनिस्टर जो इंडिया के तशरीफ लाए हैं पाकिस्तान में इसको अटेंड करने के लिए जो आए हैं, इसका नाम जो है वो है एस जयशंकर। एस जयशंकर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स है। वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए पाकिस्तान आए हैं एससीओ समिट में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की वीडियोस अब डेली बेसिस पे बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट पार्टिसिपेट, किसने पार्टिसिपेट नहीं किया तो एससीओ समिट में जो है वो अफगानिस्तान ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। और इसके साथ साथ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है चूज द करेक्ट वेन्यू। वेन्यू ये कौन सी जगह पर मुनक्किद किया जा रहा है। ये जो है एससीओ समिट जो है ये जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में इसको मुनक्किद किया जा रहा है, और ये जो है 23rd एडिशन है, 23वां एडिशन है। इसमें हेड ऑफ गवर्नमेंट या हेड ऑफ स्टेट, जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है वो इसको जो है सरबराई इसकी करेगा। इसके साथ साथ ये भी याद रखें कि ये 2 रोजा एक समिट है, 15 से लेकर 16 अक्टूबर के दरमियान, जिसको चेयर जो कर रहे हैं वो पीएम शहबाज शरीफ कर रहे हैं। और 4 जुलाई 2024 को जो है बेलारूस इसका 10वां मेंबर बना है। 9 जून 2017 को इंडिया और पाकिस्तान दोनों इसके फुल मेंबर्स बने थे। एससीओ के हेडक्वार्टर की बात करें तो एससीओ का हेडक्वार्टर बीजिंग में चाइना में है, क्योंकि बीजिंग जो है ना बीजिंग चाइना जो है इसका चाइना का कैपिटल है। एससीओ की बात करें तो 15 जून 2001 को इसे इस्टेब्लिश किया गया था। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की वीडियोस हम डेली बेसिस पे बनाते हैं, और इसके साथ साथ व्हाट्सएप पर फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 03082533000। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआ भी याद रखें। अल्लाह।